धौलपुर के बहुचर्चित मामले में जो आनंद शर्मा बहुचर्चित मामले में आज खुर्द निवासियों ने ज्ञापन दिया है। इस केस में आनंद शर्मा का मर्डर हो चुका है जिसके कुछ साक्ष्य पुलिस ने चंबल नदी के किनारे से बरामद किए हैं और बरामद करने के बाद अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। इसको लेकर खुर्द निवासियों ने और पीड़ित परिवार ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और इनके परिवार वालों से भी हम बात करेंगे, तो सुनते हैं क्या बोलते हैं। 11 तारीख को रात के 11 बजे से गायब हुआ है और जो अन्य गायब किया उन्होंने पता नहीं क्या किया, उसके साथ मर्डर किया, मार दिया है। अब ये हमें तो पता नहीं, लेकिन चंबल नदी में फेंक दिया था उन्होंने। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को 13 तारीख को FIR दर्ज कराई थी, फिर इनामबाग 18 तारीख को FIR दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस की कोई रिश्तेदार होता या कोई यानी मंत्री का बेटा होता तो तुरंत उसकी सुनवाई करती पुलिस, लेकिन आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। एक माँ से पूछो उसका बेटा गया, एक बाप से पूछो उसका बेटा गया, उसको सहारा चलाया, एक भाई से पूछो, एक बहन से पूछो, उसके परिवार वालों से पूछो क्या बीत रही है उसके ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसमें क्या पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है कि हमने मुलजिम को पकड़ लिया है, लेकिन कोई मुलजिम पकड़ में नहीं आया। एक दो को पकड़ते तुरंत छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है सख्त उनकी। मुलजिम जो मेन मुलजिम है वो तो अभी पकड़ में ही नहीं आए हैं। पता नहीं उनके रिश्तेदार हैं क्या, उनको पैसा दे दिया है, क्या करा है पता नहीं उन्होंने हमारे बच्चे के साथ। और अब हर बच्चे को न्याय दिला